हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 54309 54310, जो कि दिल्ली से हिसार के मध्य चलती है। दोस्तों, बताना चाहूँगा ये जो ट्रेन है दिल्ली से हिसार के मध्य अब नए नंबर के साथ चलेगी, यानी कि 043-51 और 043-52 नंबर के साथ ये जो ट्रेन है अब दोस्तों दिल्ली से हिसार के मध्य चलेगी। और 1 सितंबर से ये जो ट्रेन है वो चलने जा रही है। और इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में जनरल कोच के 7 डब्बे होंगे और 2 SLR कोच मिलाकर टोटल 9 कोचेस के साथ ये जो ट्रेन है वो चलेगी और डेली चलने वाली ट्रेन होगी। और बताना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पुल करेगा और रेवाड़ी से हिसार के बीच ये जो ट्रेन है डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेगी। दोस्तों, ये जो ट्रेन है दिल्ली और हिसार के मध्य 8 घंटे 50 मिनट का ट्रैवल टाइम लेगी और इस पूरी जर्नी के दौरान ये जो ट्रेन है 43 हॉर्स जो है वो कवर करेगी। साथ ही साथ 293 किलोमीटर का डिस्टेंस ये जो ट्रेन है वो तय करने वाली है और इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 33 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड रहेगी इस ट्रेन की 110 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का सादुलपुर जंक्शन पर लोको रिवर्स किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से अब इस ट्रेन का टाइम टेबल भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से 5 बजे रवाना होगी। उसके बाद दोस्तों 5:15 पर दिल्ली सराय रोहिला पहुँचेगी और 5:16 पर वहाँ से रवाना होगी। 5:37 पर दिल्ली कैंट पहुँचेगी और 5:38 पर वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद दोस्तों 5:44 पर पालम पहुँचेगी, 5:45 पर वहाँ से रवाना होगी। 5:56 पर बिजवासन पहुँचेगी, 5:57 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 6:05 पर गुड़गांव पहुँचेगी, 6:06 पर वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद दोस्तों 6:18 पर गरही हरसरू पहुँचेगी और 6:19 पर वहाँ से रवाना होगी। 6:27 पर पाटली पहुँचकर 6:28 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। उसके बाद दोस्तों 6:33 पर ताजनगर पहुँचकर 6:34 पर वहाँ से रवाना होगी। 6:45 पर टौदी रोड पहुँचकर 6:46 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। सही 7 बजे ये जो ट्रेन है खालीलपुर पहुँचेगी और सही 7:01 पर वहाँ से रवाना होगी। 7:30 पर ये जो ट्रेन है रेवाड़ी जंक्शन पहुँचेगी और यहाँ पर इस ट्रेन को चेंज किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से अब इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव लगाया जाएगा। और 7:40 पर ये जो ट्रेन है यहाँ से डिपार्चर लेगी। उसके बाद दोस्तों 7:53 पर नंगल मुंडी पहुँचेगी, 7:55 पर वहाँ से रवाना होगी। 8:16 पर कनीना खास पहुँचेगी, 8:17 पर वहाँ से रवाना होगी। और 8:30 पर बोजावस पहुँचेगी, 8:31 पर वहाँ से रवाना होगी। 8:58 पर नंगल डिग्रोटा पहुँचेगी, 8:59 पर वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद दोस्तों 9:12 पर सतनाली पहुँचेगी, 9:14 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:40 पर लोहारू जंक्शन पहुँचेगी, 9:45 पर वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद दोस्तों 10:10 पर रामपुरा बेरी पहुँचेगी, 10:12 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। और 10:33 पर हरपालू पहुँचेगी, 10:34 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:55 पर सादुलपुर जंक्शन पहुँचेगी, 11:15 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। और उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रेन है 11:32 पर हमें लासेरी रेलवे स्टेशन पहुँचाएगी, 11:33 पर वहाँ से रवाना होगी। 11:57 पर सिवानी पहुँचेगी, 11:58 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। और 12:13 पर चारौद पहुँचेगी, 12:14 पर वहाँ से रवाना होगी। और सही 13:50 पर, यानी कि 1:50 पर ये जो ट्रेन है हमें हिसार जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचा देगी। दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल में मैंने कुछ स्टॉपेजेस जो हैं वो मैंने बताए नहीं हैं, क्योंकि अगर पूरे स्टॉपेजेस के बारे में बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन नंबर 043-52 जो कि हिसार से दिल्ली के मध्य चलेगी। दोस्तों, ये जो ट्रेन है हिसार रेलवे स्टेशन से 4:35 पर डिपार्चर लेगी और उसके बाद दोस्तों 5:01 पर नालोई बारवा पहुँचकर 5:02 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 5:37 पर लासेरी पहुँचकर 5:38 पर वहाँ से रवाना होगी। 5:47 पर सूरतपुरा पहुँचकर 5:48 पर वहाँ से रवाना होगी। 6:05 पर सादुलपुर पहुँचकर 6:30 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी और यहाँ पर इस ट्रेन का लोकल बर्स होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रेन है 6:53 पर बेवार भोजन पहुँचेगी, 6:54 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 7:04 पर रामपुरा बेरी पहुँचेगी, 7:05 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 7:35 पर लोहारू पहुँचेगी, 7:40 पर वहाँ से रवाना होगी। 8:06 पर नानबान पहुँचेगी, 8:07 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी।
और 8:42 पे बुजावस पहुंचेगी, 8:43 पे वहां से डिपार्चर लेगी, 9:04 पे ढाईना जैनानाबाद पहुंचेगी, 9:06 पे वहां से रवाना होगी, 10:10 पे ये जो ट्रेन है रेवाड़ी जंक्शन पहुंचेगी, 10:24 पे ये ट्रेन वहां से डिपार्चर लेगी और यहां पे इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है चेंज किया जाएगा, यानी कि डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा। और 10:42 पे ये जो ट्रेन है इंचापुरी पहुंचेगी, 10:43 पे वहां से डिपार्चर लेगी, 11:02 पे ताजनगर पहुंचेगी, 11:03 पे वहां से डिपार्चर लेगी, 11:45 पे गुड़गांव पहुंचेगी, 11:46 पे वहां से रवाना होगी, 12:05 पे पालम पहुंचेगी, 12:06 पे वहां से रवाना होगी। और उसके बाद दोस्तों 12:23 पे पटेल नगर पहुंचेगी, 12:24 पे वहां से डिपार्चर लेगी, और 12:32 पे ये जो ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी, 12:33 पे वहां से रवाना होगी, और सही 13:05 पे यानी कि 1:05 पे ये जो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।